हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल विटामिन। मुझे हिमांशु ने कहा था थोड़ा सा टोम के बारे में बता दिए, न्यूमेरिकल्स वगैरह जितने भी हों। तो बात यह है कि मैं सारे न्यूमेरिकल्स अभी डील करने जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे ही मैंने काफ़ी न्यूमेरिकल्स डील कर चुका हूँ मैं पहले ही। तो आई होप आपने अभी तक की जितने भी वीडियोज़ है उन सबको वॉच किया होगा। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट। जितना हो सके आप उतना सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उस पर 35-40 के अराउंड व्यूज आए थे। सो यू नो, अगर कोई आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा है और आप उसके साथ उतना कोऑपरेट नहीं करते, तो फिर वो जो मन रहता है, मोटिवेशन रहता है, वो थोड़ा सा डिस्ट्रॉय होता है, थोड़ा सा वो उसमें थोड़ा सा डाइवर्जेंस आता है। सो जो कुछ भी हो, मैं आप लोगों की पूरी तरीके से मदद करने का, जैसे कि चैनल के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि मैं पूरी तरीके से मदद करूंगा आप लोगों का। सो ये बस बेसिक आपको एक ओवरव्यू देने के लिए है। ये पूरी की पूरी जो भी आज की वीडियो रहेगी, इट विल टेल यू ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ मशीन, जो भी आप लोगों को पढ़ना है और जिस पर आप लोगों को ज्यादा फोकस रखना है, किस तरीके से आप पास हो सकते हो अगर आप लोगों को पास होने की टेंशन है, और किस तरीके से आप लोग अपनी खुद की स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हो कि थ्योरी ऑफ मशीन को बहुत आसानी तरीके से आप बियॉन्ड 65-70 मार्क्स बहुत आराम से आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, थ्योरी ऑफ मशीन में जो आपका मेन टॉपिक है वो है बेसिक मैकेनिज्म, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एनालिसिस, कैम एंड फॉलोअर, गियर, गियर ट्रेन, ब्रेक्स एंड डायनेमोमीटर, फ्लाईव्हील, गवर्नर, बैलेंसिंग एंड जायरोस्कोप। इतने ही टॉपिक हैं आप में। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग तोड़ेंगे ताकि इसको फ्रेगमेंट करेंगे। इसके फ्रेगमेंट्स में हम लोग देखेंगे कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस रखना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक है जो आप जिसे न्यूमेरिकल के चांसेस बहुत ज्यादा है, जिस पर आप ज्यादा फोकस करो, बाकी चीजें छोड़ भी दोगे तब भी दैट इज ऑल राइट। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे केवल और केवल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए है, ना कि कोई भी गेट वगैरह जो प्रिपेयर कर रहे हैं ये उनके लिए नहीं है। ठीक है, तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, कमेंट करिए, हिट द बेल आइकॉन ऑल्सो, कमेंट करिए नेक्स्ट वीडियो आप किस पर चाहते हैं। तो क्योंकि कोई ना व्यूज बढ़ रहे हैं ना कमेंट आ रहा है, तो आई वॉज जस्ट स्टैटिक इन नेचर, सो आई वॉज नॉट चेंजिंग एनीथिंग और आई वॉज नॉट अपलोडिंग एनी वीडियो। सो आते हैं टॉपिक पर, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, तो चैप्टर वन जो है अपना वो कौन सा है, वो आपका काइनेमेटिक चेन वगैरह। ठीक है, उसमें से देखिए बेसिक डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स की, कौन कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होती है, स्फेरिकल पेयर की कितनी होगी, स्क्रू पेयर की कितनी होगी, हाइयर पेयर किसे कहते हैं, लोअर पेयर किसे कहते हैं, डिफरेंट टाइप के इन्वर्जन क्या, कुट्ज़बैक क्राइटेरिया और ग्रुबलर्स क्राइटेरिया डिग्री ऑफ फ्रीडम डिटरमाइन करने के लिए आपके एक न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल या पार्ट्स में भी आ सकते हैं कि डिटरमाइन द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द फॉलोइंग गिवन काइनेमेटिक चेन्स। ठीक है, काइनेमेटिक इन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। काइनेमेटिक इन्वर्जन में आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज कि सिंगल स्लाइडर में क्या होता है और डबल स्लाइडर के इन्वर्जन में क्या होता है। मेन इंपॉर्टेंट जो है वो आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, इसका डेरिवेशन आ सकता है और नहीं तो एक न्यूमेरिकल आ सकता है क्विक रिटर्न रेशियो पर, QRR पे, जो कि मैंने क्लास में भी काफी हद तक बताया था और साथ में मैंने उन लोगों के पास नोट्स भी होंगे जो भी क्वेश्चंस वगैरह मैंने डील किए थे। ठीक है, तो आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं जो लोग मेरे से वेलोसिटी वाला, वेलोसिटी नहीं, फर्स्ट चैप्टर जिन्होंने भी मुझसे पढ़ा था। ठीक है, QRR और डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आप क्वेश्चन श्योर समझिए, या तो क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म पर आएगा, नहीं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पर एक न्यूमेरिकल आना ये पूरा का पूरा फिक्स है। ठीक है, बाकी इन्वर्जन और छोटे मोटे बेसिक डेफिनेशन जो है, और साथ में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम जरूर याद रखना है कि हायर पेयर का कितना होता है, लोअर पेयर का कितना होता है, या स्क्रू पेयर का कितना होता है, स्फेरिकल पेयर का कितना होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो भी हैं उसको आपको पता रहना चाहिए कि कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, यही तीन चार चीजें हैं जो आपको मेन फोकस करनी है, ज्यादा चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन चैप्टर में आपका वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायग्राम तो इंपॉर्टेंट है, वो आता भी है और नहीं भी आता है। ठीक है, अगर आप ये चीजें आपको बनाने आती हैं, आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं कि कैसे, हाँ वेलोसिटी कैसे ड्रॉ करते हैं, वेलोसिटी डायग्राम कैसे, एक्सीलरेशन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो अगर आपको वो चीज पता है तो इट इज वेल एंड गुड, आप डेफिनेटली जाइए। लेकिन अगर नहीं पता है तो आप इसका एक ओवरव्यू ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर भी डाला हूँ, थोड़ा बहुत आप इंस्टेंटेनियस सेंटर के बारे में डाला हूँ, तो आप उस आपको वहां से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आइडिया हो जाएगा। तो मतलब अगर आप ये चैप्टर हल्का फुल्का भी देख लेंगे तब भी इसमें कोई वो नहीं है, आपको सारे चैप्टर कवर करने की जरूरत नहीं है पास होने के लिए। अगर आपको टॉप करना है और लेट अस सपोज आपको 95-90 के ऊपर ले जाना है तो फिर आपको ये चैप्टर जरूर पढ़ना जरूरी है। लेकिन अगर आपका वही है कि आपको 75 या 60 के ऊपर रखना है
तो आप इस चैप्टर को भी लीव भी कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं। बट एक क्वेश्चन डेफिनेटली लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इसमें से शॉर्ट शॉर्ट है। लॉन्ग मतलब जितने भी आपका होता है, चाहे 15 का होता है, चाहे 7 का होता है, चाहे 12 का होता है, जो भी हो, जो लॉन्ग आंसर वाले रहते हैं वो इसमें से आना एक श्योर शॉट रहता है। ठीक है, वो ऑप्शन में भी रह सकता है। ठीक है, अब आते हैं कैम प्रोफाइल पे। देखिए कैम प्रोफाइल, कैम एंड फॉलोअर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैम को आप एक बार रीडिंग दे दीजिए, ज्यादा उस पर फोकस रखने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, हर साल देखा गया है यूनिवर्सिटी एग्जाम में कि आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैम प्रोफाइल ड्रॉ करने के लिए आता है। और ये पूरा का पूरा जो कुछ भी कैम से रिलेटेड है, ये मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है। आपको जो वीडियो का लिंक रहेगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैम प्रोफाइल मैंने पूरे के पूरे एक लेक्चर में डील किया कि SHM में क्या होता है और बाकी चीजों में क्या होता है। थोड़ा सा आपको डेरिवेशन देखने की जरूरत है, हल्का सा देखिएगा, ज्यादा स्ट्रेस आउट मत करिएगा, बस हल्का सा देख लीजिएगा कि कैसे डिटरमाइन करते हैं चीजों को। मेनली आपका फोकस रहेगा एक न्यूमेरिकल पर, जो कि जनरली पूछा जाता है। अगर न्यूमेरिकल नहीं आता है तब भी आपको कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना आ जाता है, तो आप वो कैम प्रोफाइल भी एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके भी बेसिस पे थोड़ा बहुत मार्क्स मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द मूड ऑफ द प्रोफेसर हु इज चेकिंग योर कॉपी। देखिए गियर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, और अनप्रेडिक्टेबल टाइप का चैप्टर है। बट हाँ, इसमें जो मेन है वो लॉ ऑफ गियरिंग है, इसका डेरिवेशन और साथ में इसकी डेफिनेशन। गियर टर्मिनोलॉजी पूरा का पूरा मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया था, आई होप आप लोगों ने वो चीज देखी है। इंटरफेरेंस कैसे होता है, पाथ एंड आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट, ये इन सब के मैंने थोड़े बहुत आपको क्वेश्चंस मैंने डील किया अपने YouTube चैनल पे। ये सब के न्यूमेरिकल्स आप एक बार जरूर देखिएगा। गियर टर्मिनोलॉजी से चांसेस बहुत ज्यादा है, लॉ ऑफ गियरिंग से चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। और हाँ, मेन जो टॉपिक है जहां से न्यूमेरिकल एकदम श्योर शॉट रहता है, वो रहता है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, गियर ट्रेन पोर्शन का। एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के क्वेश्चंस मैंने क्लास में भी डील किए थे, तो आई होप आप लोगों को वो सारी चीजें समझ में आई होंगी। नहीं आई होंगी तो प्लीज मेक श्योर टू चेक इट आउट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा स्ट्रेस आउट करने की जरूरत नहीं। गियर वाला जो चैप्टर है, जो जो गियर है, उस गियर में आपको पढ़ना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर्स कौन से होते हैं, ये भी देख लीजिएगा। इसमें मैं नहीं लिखा हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर कौन से होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, हेरिंग बोन गियर है, डबल हेलिकल गियर है, हेलिकल गियर है, और साथ में आपका मीटर गियर है या वॉर्म व्हील है। ये सब चीजें आपको देखनी बहुत जरूरी है, एज अ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके इस एग्जाम के लिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। ठीक है, पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट, आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट से मे भी एक क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन लॉ ऑफ गियरिंग से आप श्योर श्योर समझिए। इंटरफेरेंस को कम कैसे किया जा सकता है, बहुत ही अगर डिफिकल्ट कोई बनाता है पेपर तब जाकर के इंटरफेरेंस पर आता है। और गियर टर्मिनोलॉजी तो श्योर शॉट आपको देखना ही है, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको सॉरी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के ऊपर मैं क्वेश्चन करा दिया, और रिवर्टेड गियर ट्रेन पर नहीं कराया, लेकिन अगर आप लोग एपिसाइक्लिक समझ गए हो तो रिवर्टेड गियर ट्रेन भी आसानी से समझ जाओगे। पर हाँ, मेन फोकस अपना एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन पर रखिए, उस पर उससे एक क्वेश्चन आना लगभग ऑलमोस्ट लगभग ये समझिए कि 80-20 का रेशियो होता है। 80% चांसेस रहते हैं कि आ जाएगा, 20% चांसेस रहते हैं कि नहीं आएगा, बट आप श्योर शॉट अपनी तैयारी रखिए। ठीक है, अब आते हैं गवर्नर पे। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नर तो हैं, उनके डेरिवेशंस भी हैं। देखिए कई बार पोर्टर या प्रोवल का आपको एक डेरिवेशन आ जाता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं आता, कई बार आ जाता है, लेकिन मेनली क्या आता है, मेनली आता है न्यूमेरिकल आता है गवर्नर पे। ठीक है, और जो भी न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो मैंने क्लास में डील किया था, अपने यूट्यूब चैनल पर डील किया था। ठीक है, आप लोगों ने देखा नहीं देखा वो आप लोगों की गलती होगी अगर नहीं देखा तो, क्योंकि मैं तो आप लोगों के हिसाब से ही वो चीज अपलोड कर रहा था। अगर आप देख चुके हैं तो ये गवर्नर तो आपका आसानी से तैयार हो गया होगा। इसमें से कुछ और टॉपिक भी है, पावर एफर्ट और साथ में आपका पावर एफर्ट सेंसिटिविटी एंड रेंज एटसेट्रा, इसको आप थोड़ा सा जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, फ्लाईव्हील अभी रिसेंट में मैंने खत्म किया है, फ्लाईव्हील के जो मेन फॉर्मूलेज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, दो लेक्चर्स में मैंने खत्म किया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट इज मोर देन इनफ, अगर वैसा ही क्वेश्चन आता है, उसी से मिलता जुलता भी क्वेश्चन आता है तो भी आप उसको आसानी से कर लोगे। मैं तो कहूंगा कि पिछला जो आपका PYQ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन निकालिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आप बहुत आसान तरीके से कर पा रहे हैं देन दैट इज वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पा रहे तो हल्का सा मेहनत जरूर दीजिएगा, क्योंकि इससे एक न्यूमेरिकल श्योर शॉट रहता है। ठीक है, हाँ, इसमें डेरिवेशन डिजाइन ऑफ फ्लाईव्हील का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वहां से आपका एक पोर्शन आ सकता है क्या कि डिराइव द डिजाइनिंग क्राइटेरिया ऑफ द फ्लाईव्हील। ठीक है, तो देखिए बैलेंसिंग को मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया हूँ, बैलेंसिंग को, बैलेंसिंग इन सेम प्लेन, बैलेंसिंग इन डिफरेंट प्लेन, डायनेमिक बैलेंसिंग, स्टैटिक बैलेंसिंग, रेसिप्रोकेटिंग मास, ये पूरा का पूरा मैं अच्छी तरीके से डिस्कस किया हूँ। बैलेंसिंग को तो आप छोड़िए मत, क्योंकि बैलेंसिंग इज एन ईजी गेन, उसमें से आप बहुत आसानी के साथ अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। एक क्वेश्चन श्योर शॉट रहता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि
कि आपसे 2 मार्क्स या स्मॉल आंसर शॉर्ट आंसर में भी पूछ लेता है, पूछ लेता है क्वेश्चन, जैसे कि व्हाट इज हैमर ब्लो, व्हाट इज स्विंग कपल, ये सब थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछ लेता है। बट क्या होता है, मेनली क्या है, आपको न्यूमेरिकल देखना है, और ये न्यूमेरिकल्स वगैरह साथ में थ्योरी क्वेश्चन मैं पूरा का पूरा इंक्लूड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, सो मेक श्योर टू वॉच इट। ठीक है, मेक श्योर टू वॉच इट। मैं यही कहूंगा कि आप लोग उस पूरी की पूरी देखिए। 23, देखिए मेरे मेरे जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो हार्डली 20 से 30 मिनट के हैं, एक दो लेक्चर्स ही हैं जो 40 मिनट तक गए होंगे, बाकी और सारे के सारे जितने भी लेक्चर्स थ्योरी ऑफ मशीन पर लिए गए वो 20 से 25 मिनट के। अगर आप उसको 1.5x की स्पीड पर भी देखोगे तब भी आप लोग का काफी हद तक टाइम भी बचेगा और आप लोग ज्यादा चीजें समझ भी पाओगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक की चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। देखिए जायरोस्कोप का मैंने आप लोगों को एक लेक्चर में ही सब कुछ बता दिया था, बेसिक फॉर्मूला बता दिया था। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है वॉच द सिंगल वीडियो, मेरे पास सिंगल वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट की मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप लोग वो पूरी प्लेलिस्ट में देख सको कि कौन कौन से पोर्शन है। जायरोस्कोप का मैंने पूरा का पूरा कवर कर रखा हूँ, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर रखा हूँ। ठीक है, और साथ में मैं उसका बेसिक चीजें भी एक्सप्लेन किया हुआ हूँ कि कैसे डिटरमाइन करते हैं क्या नहीं करते हैं, आप बस वो एक वीडियो देख रहे हैं, जायरोस्कोप के लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, आते हैं ब्रेक्स एंड डायनेमोमीटर पे। देखिए वाला टॉपिक मैंने डिस्कस नहीं किया, बट हाँ इसके डेरिवेशन थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ ब्रेक इंपॉर्टेंट है, डायनेमोमीटर का कहाँ यूज होता है, मोस्ट ऑफ द केस में थ्योरी पोर्शन और एक दो डेरिवेशन जो कि ब्रेक्स पर बेस्ड है वो है। ठीक है, तो इतना ही है आप लोगों का थ्योरी ऑफ मशीन का पेपर। अगर आप इसको मतलब अगर आप लोग इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा, तो कमेंट करिए जो कि आप लोग करते नहीं हो, लाइक करिए जो कि वो भी आप लोग नहीं करते हो। ठीक है, बट आई वुड अप्रिशिएट कि आप लोग लाइक करिए, ठीक है, कमेंट करिए। जब तक आप लोग कमेंट या लाइक नहीं करते मुझे लगता है कि क्योंकि कोई नहीं देख रहा तो मेरे बनाने का वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो मेक श्योर टू वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑल्सो, जो भी प्लेलिस्ट में उसको भी आप एक बार देखिए। ठीक है, आप उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, थ्योरी ऑफ मशीन में कोई भी फेल नहीं होगा। ठीक है, जस्ट फॉलो दिस प्लान, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग केवल पास होना है, मैं आप लोग को अभी बता दूं, केवल अगर पास होना है तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए केवल अगर पास होना है तो आप लोग बैलेंसिंग करिए, ठीक है, गवर्नर करिए, ठीक है, कैम एंड फॉलोअर करिए, और गियर एंड गियर ट्रेन करिए, और पहला चैप्टर करना है तो कर लीजिए। लेकिन यही 3 4 4 5 चैप्टर भी अगर आप कर लेते हैं, 5 चैप्टर करके जाइए, आपका 50% प्रिपरेशन है और वो आप आसानी से पास हो जाएंगे, मैं पास होने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। आई होप ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग ये पीपीटी चाहते हैं तो प्लीज मेक श्योर टू कमेंट करिए कि सर प्लीज अपलोड द पीपीटी और सेंड मी द पीपीटी एटसेट्रा। ठीक है, तो वो भी मैं सेंड कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ चीजें नहीं समझ में आए तो प्लीज कमेंट करिए, लोगों से कहिए सब्सक्राइब करने को। थैंक यू अनुराग, थैंक यू सो मच, आपने बहुत मेरी हेल्प की। ठीक है, शेयर करिए इसको जितना हो सके, लाइक करिए इस वीडियो को, ठीक है, और साथ में कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोग किस पर वीडियो चाहते हैं। जब तक आप लोग कुछ नहीं कहेंगे, जब तक आप लोग मुझे कुछ बोलेंगे नहीं कि हाँ आपको इस पर वीडियो चाहिए, सो आई विल मेक सम रैंडम वीडियोज विच आप लोगों के सोच के परे रहेगी वो वीडियो। ठीक है, तो आई डोंट वॉन्ट टू यू नो दिस इज जस्ट अ स्टूडेंट फोकस चैनल, मैं स्टूडेंट पर ध्यान देते हुए इस चैनल को क्रिएट किया हूँ, सो आई जस्ट वॉन्ट टू स्टूडेंट टू गेन मच मोर नॉलेज अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो इसलिए मैं रैंडम स्टफ अभी अपलोड नहीं कर रहा हूँ, बट दैट डिपेंड्स ऑन यू। जस्ट लाइक दिस वीडियो, अपना प्यार दीजिए और साथ में इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों से। ठीक है, आई होप थ्योरी ऑफ मशीन के मैक्सिमम पोर्शंस आप लोगों को क्लियर हुए होंगे, जो पोर्शन नहीं क्लियर है अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, कमेंट करिए इसी वीडियो में कि सर आपको किस पर चाहिए, आई विल अपलोड द वीडियो विद इन द 24 आवर्स। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो भी आप लोग कहोगे, नहीं तो फिर आई वुड गो फॉर हिमांशु जैन्स आइडिया, बट आई वुड थिंक कि आप लोग क्योंकि अभी पहले आप लोग का एग्जाम चल रहा है तो आप लोग के पास थोड़ा टाइम कम होगा, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट अपलोडिंग इट। और अगर आप लोगों का कोई कमेंट नहीं आता, सो आई वुड डू अ रिसर्च ऑन हिमांशु जैन्स आइडिया एंड देन आई विल अपलोड अ वीडियो ऑन इट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मैकेनिकल विटामिन आपको समझ में आई होगी चीजें, आई होप, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा पूरी प्लेलिस्ट का, सो मेक श्योर टू वॉच ईच एंड एवरी वीडियो। ठीक है, आपका टाइम भी बचेगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।